और बुलेटिन में बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी संग्राम तेज होने के साथ ही दोनों पार्टियों के बीच बदजुबानी बढ़ सी गई। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान दे दिया। कूचबिहार की रैली में ममता के बिगड़े बोल सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री की बदजुबानी सामने आई। पीएम के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। ममता ने बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से कर दी। ममता ने कहा, आप सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पर नहीं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर देश को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। कूचबिहार की रैली और यहां पर ममता बनर्जी अपनी जुबानी भाषा पर कंट्रोल नहीं रख पाए। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल में मौजूद थे और जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली कर रही थी उससे कुछ ही किलोमीटर दूरी पर पीएम की भी सभा थी। ऐसा लगा मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में ममता बनर्जी अपनी भाषाई मर्यादा को भूल गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर आप भरोसा मत कीजिए, एक बार जहरीले सांप पर आप भरोसा कर सकते हैं। इधर ममता के सांप वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति खौफ से बौखला गई है ममता बनर्जी। ममता की सोच और भाषा सामने आ गई है और ममता ने सियासत का स्तर गिरा दिया, ये बीजेपी कह रही है। राजनीतिक खौफ से ममता बनर्जी डर गई, ये बीजेपी कह रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि आप एक बार जहरीले सांप पर भरोसा कर लीजिए, बीजेपी पर मत कीजिए। लेकिन अब इधर बीजेपी कह रही है कि राजनीति में भाषाई स्तर को तार तार कर दिया है ममता बनर्जी। बीजेपी का यह आरोप है कि राजनीतिक खौफ से बौखला गई है ममता बनर्जी। बीजेपी कह रही है इस बार बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, 42 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी, इस बार उससे अच्छा प्रदर्शन करने की बीजेपी सोच रही है। लेकिन इस कोशिश में कैसे भाषाई मर्यादा टूट रही है और कैसे उस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सुनाते हैं। मुने राखबेन अपनी केउटे साफ केउ विश्वास करते पारेन, एटलिस्ट पोष मानाते पारेन, कखनो कखनो जरा सापुरे पोष मानाते पारे, किंतु बीजेपी पार्टी के जीवने विश्वास करबेन ना। मुझे लगता है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है और राजनीतिक खौफ से वो सकपकाई हुई हैं और इसके चलते उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाला है और जो उनकी अपनी असलियत है, जिस तरह से वो सोचती हैं, जिस तरह से उनकी भाषा है जिसका वो प्रयोग करती हैं, वो सामने आ रही है कि कितनी अशिष्ट तरीके से, अभद्र तरीके से उनकी सोच है और उनकी भाषा है। और सोचने वाली बात है, ये एक महिला मुख्यमंत्री की जबान है। तुषाज़ी आलमी कह रही है कि ये कल्पना से भी परे कि ये महिला मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा कह सकती हैं। हमारे साथ पूजा मेहता जुड़ गई कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, कोलकाता का रण इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी फाइट, और पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन क्या इस बार का चुनाव यहाँ पर भाषाई मर्यादा को तार तार करके लड़ा जाएगा? इससे पहले भी कई नेता थे जो बदजुबानी कर चुके हैं और अब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है जो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं की जा सकती। बिल्कुल, आपको बताएं, अब लोकसभा चुनाव से कुछ ही हफ्ते दूर है और उसके पहले हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक राजनेताओं का ये जो भाषा का स्तर है लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। कल भी हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के जो चुचुरा से विधायक है असित मजुमदार, उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी है हुगली से लोकेट चैटर्जी, उनको दो नंबरी माल कहा। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो कल जब कूचबिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, तब जो है फिर एक बार अपशब्द का जो है इस्तेमाल करती है, कहती है कि जो राशन के बैग्स हैं उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है फोटो लगी हुई है, तो उससे अच्छा है कि आप उस राशन को ना ले, और तभी अपशब्द का जो है इस्तेमाल करती है। उसके बाद एक और विवादित बयान देती है कि बीजेपी पर विश्वास करने से तो अच्छा है कि जहरीले सांप पर आप विश्वास जताए। तो इस तरह से लगातार हम देख रहे, दिलीप घोष ने भी एक विवादित बयान दिया था, और जैसे जैसे चुनाव पास सारे हैं, भाषा का स्तर जो है राजनेताओं का लगातार गिर रहा है जी। अब लेकिन सवाल यह है कि जनता के मुद्दों से परे अगर बदजुबानी इस तरह की होगी तो जनता का रुख क्या होता है? पूजा, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो लगातार भाषाई मर्यादा खो रहे हैं। अब आप रणदीप सुरजेवाला के बयान को कैसे भूल सकते हैं? इधर लोकसभा चुनाव में इस बार पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा भी छाया हुआ है और इसी से जुड़ी अगली खबर यह कि संदेश खाली की घटना पर ममता सरकार को फटकार लगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकारा है। संदेश खाली का
1% सच भी शर्मनाक है, हाईकोर्ट की यह टिप्पणी और यह बहुत तल्ख टिप्पणी। संदेश खाली में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है, हाईकोर्ट ने यह कहा। हाईकोर्ट की अगली टिप्पणी ये कि हर नागरिक की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। महिलाएं जिस तरह से सामने आई थी और जो उन्होंने बातें बताई थी संदेश खाली को लेकर, शेख शाहजहां को लेकर, उसके बाद ये मामला बहुत गंभीर था जिस पर बात पूरी देश में हुई। बीजेपी अभी भी इसको लेकर हमलावर है, इस बार के चुनाव में बीजेपी से मुद्दा बनाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन इन सबके बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से जो टिप्पणियां की गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस पूरी घटना को हाईकोर्ट ने शर्मनाक बताया। इधर कल चुनावी दौरे पर पश्चिम बंगाल गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कूच बिहार रैली में संदेश खाली का मुद्दा उठाया और प्रदेश की ममता सरकार पर निशाना साधा। संदेश खाली की घटना को लेकर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला बोला। गुनहगारों को बचाने के लिए टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। गुनहगारों को सजा दिलाना मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री जब मंच पर मौजूद थे तो उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं के दर्द को सामने रखा और उन्होंने ये जरूर कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दो बड़ी खबर संदेश खाली को लेकर, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर सवाल उठा रहे, दूसरी तरफ हाईकोर्ट की टिप्पणी। पीएम ने कल क्या कहा था बंगाल के दौरे के दौरान, वो सुनिए जरा। पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर बंगाल की जनता के बीच उन्हें गारंटी दी कि जो भी संदेश खाली का दोषी होगा उससे सजा मिलेगी, इसकी गारंटी खुद प्रधानमंत्री ने दी। लेकिन पूजा, जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 1% भी सच है संदेश खाली में जो आरोप लग रहे थे तो ये बेहद शर्मनाक। बिल्कुल, आपको बता दें कल कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पीआईएल की जो है सुनवाई हो रही थी और इस याचिका में कमीशन के गठन की मांग की गई है। जो एडवोकेट प्रियंका टिब्रेवाल है उनके तरफ से कहा गया है कि जिन महिलाओं ने ये आरोप लगाया है, कंप्लेन दर्ज की है, उस मामले में अब कमीशन को जो है आगे की कार्रवाई की जाए। और तभी कलकत्ता हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस है टी एस शिवागमन, वो कहते हैं कि सारे राज्यों में पूरे देश भर में एक नंबर पर है वेस्ट बंगाल, और जहां पर ये कहा गया है एनसीआरबी रिपोर्ट में कि सबसे ज्यादा सेफ है, और ऐसे में जब संदेश खाली के घटनाएं सामने आ रही है जहां एक के बाद एक महिलाओं का आरोप लग रहा है, जहां पर शारीरिक शोषण किया जा रहा है, तो उस इमेज को जो है टार्निश किया जा रहा है। और साथ ही वो एनसीआरबी रिपोर्ट पर जो लिखा गया है कि सबसे सेफ राज्य है पश्चिम बंगाल में, उससे ये मेल नहीं खाता जब संदेश खाली की घटनाएं सामने आती है। तो जो है कड़ा जो है एक ऑब्जर्वेशन दिया गया, एक कोर्टरूम एक्सचेंज था, और ये भी कहा गया कि महिलाओं को जो सुरक्षा देनी होगी उसको राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, क्योंकि फिलहाल हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को रिजर्व रखा है। हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है, वो सरकार कहती है माँ माटी मानुष पर ये चलती है, तो वहां पर माँ को लेकर यानी कि महिलाओं को लेकर जब इस तरह की परिस्थिति है कि कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ जाए तो ये सरकार को आईना दिखाने जैसा है। बहरहाल शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।